अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट पर हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और आज आपको मैं बहुत ज़बरदस्त पंजे की यखनी जो है चिकन फीट सूप या स्टॉक जो होता है या ब्रोथ होता है वो बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है। तो सर्दियों की तो ज़बरदस्त सौगात है पंजे। और ये बहुत ही जो अगर आप बोंग की जो है पाए बनाते हैं उससे भी ज़बरदस्त ये बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है सूप की। तो आज चलें स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये पंजे लिए थे, साफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है पहली वीडियो में, तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, अब इसके अंदर ही हम पंजे शामिल कर देंगे। इसमें हम प्याज का टुकड़ा शामिल करेंगे, एक प्याज बड़ी ले ली कट कर ली वो शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, 1 टेबल स्पून नमक चिकन पाउडर जाएगा, ये ज़रूर डालिएगा। जो बाहर वाले होते हैं ढाबे वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले या फिर ठेले वाले जो बाहर बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल सूप बना दूँ मैं, स्ट्रीट स्टाइल जो है इसी तरीके से बनता है, तो उसमें तो यही चिकन पाउडर या चिकन क्यूब या चाइनीज सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भर के मैं नमक ले लूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये सूप तैयार होगा, आप बाहर का सूप भूल जाएंगे। ये ऐसा पाए का सूप और बहुत सेहतमंद और जायकेदार। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून भर के, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून भर के, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सर्दियों में ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप बना के बहुत सारा रखें और शाम को टी टाइम पे आप ये भी बनाकर पी सकते हैं। टी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, तो आप ये बनाकर पीजिए, ये आपको हमेशा गर्म रखने वाली चीज़ है। बस ये चंद चीज़ें डलेंगी और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी कि सोच है आपकी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब में और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू। और कुछ गर्म मसाले जाएंगे जिसमें से साबुत धनिया है, सौंफ है और 2-3 बड़ी इलायची है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है हमारे सूप को। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। छोटी इलायची 2 ले ली, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं 2 इंच और ये जीरा पाउडर ले लिया है, तो इन तमाम चीज़ों को शामिल कर देंगे। अब ये बॉयल हो रहा है, इसको हम इसी तरह पकते रहने देंगे धीमी आँच पर। सही है, 10 मिनट हमने तेज़ आँच पर रखा, अब धीमी आँच पर रखेंगे इसको हम। इसमें मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, चाइनीज़ सॉल्ट से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन पाउडर, अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब डाल लीजिएगा। ज़बरदस्त सही हमारा सूप रेडी होने को है, 1/2 घंटा हो चुका है। हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी, अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सिरका शामिल करूँगी। है तो ये यखनी सूप, मुर्गी के पंजों का यखनी सूप है, तो उसमें थोड़ा सा सिरका डालने से उसका जायका जो है डबल हो जाएगा आपका। और ये मैं थोड़ा सा चिली सॉस शामिल कर रही हूँ, उससे भी जायका आपका बहुत अच्छा होगा, पिया जाएगा यानी कि बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाऊंगी, बस ये हो जाए फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं पंजे निकाल लूँगी, बाउल ले लिया मैंने सूप का बाउल, इसमें हम पंजे शामिल किए हैं, थोड़ा सा इसका जो है यखनी शामिल करूँगी। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है और बहुत बाहर के सूप से ज़्यादा जो है हेल्दी और हाइजेनिक होती है। बाहर के सूप का पता नहीं होता है कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है, पंजे धुल रहे नहीं धुल रहे, सफाई का ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है। तो आप घर में बहुत सारा बना के रखें और हर शाम को गर्म करके पिए और ये 1 हफ्ते तक चल सकता है, बहुत ज़बरदस्त सूप होता है ये। तो
अब इस पर हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। ये ज़रूर आँख में डालिए, जायका अलग ही ज़बरदस्त तरीके से होता है, बहुत ज़बरदस्त जायका आ जाता है ब्लैक पेपर का। तो ये लीजिए, तैयार हो चुका है मुर्गी के ये पंजे। आप भी इस तरीके से बनाइए और पीजिए और पिलाइए सबको, खुश रहें, एंजॉय करें हर ज़िंदगी के मज़े को, सर्दियों के, गर्मियों के, हर मौसम के मज़े को एंजॉय कीजिए। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक हर उस जगह से आपको रिज़्क़ खुशियाँ और नेमतें अता करें जहाँ से आपका गुमान ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।